करेंगे नान के साथ तो आप देख सकते हैं मलाई जैसी बूटी तैयार हुई है और बिल्कुल गल चुका है ये नमकीन गोश्त। आराम से तोड़ने से टूट रहा है बाइट और आप इसके साथ ग्रेवी भी लगा सकते हैं। ये मज़े का बाइट जा रहा है, बहुत मज़े का बना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किचन फैंटेसी कुकिंग। आज हमारे किचन में बन रहा है नमकीन गोश्त। सबसे पहले मैं आप सबको ईद मुबारक कहूँगी और अब हम बनाने लगे हैं मटन। इसके लिए हमने 1.5 केजी ले लिया है मटन, मिक्स बोटी का ये गोश्त है और हाफ कप हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। अब प्रेशर कुकर में हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। गोश्त को हमने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है ताकि इसमें से पानी खुश्क हो जाए और अब हम इसको डाल देंगे कुकिंग ऑयल में। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे यहाँ तक के गोश्त का कलर चेंज हो जाए और इसी ऑयल में आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। देख सकते हैं इसमें कुछ चर्बी वाले पीसेस भी हैं। इसी की स्पेशलिटी ये है कि पेशावरी स्टाइल में जो नमकीन गोश्त बनता है उसमें चर्बी वाला गोश्त भी यूज़ किया जाता है ताकि उसमें के अपने ही ऑयल में वो पक जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। इसकी हम भुनाई कर लेंगे अच्छे से। 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। वैसे नमकीन गोश्त में इतने गोश्त में इतना ही सॉल्ट ऐड किया जाता है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं किया जाता। तो इसको मिक्सअप कर लेंगे। तो ये इसकी भुनाई भी हो चुकी है और अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर। इनका मैंने एक साइड से कट लगा के इनका पील ऑफ कर लिया है ताकि बाद में छिलका रिमूव करना आसान हो जाए। तो हम इनको उल्टा करके रख देंगे टमाटरों को और इसको अब हम और थोड़ा सा टमाटो प्यूरी भी ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट मज़े का हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर और प्रेशर का लिड बंद कर देंगे। 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे दम पर, 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे विसल और इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए प्रेशर पर। फ्लेम मीडियम रख लेंगे। अब हम विसल को रिमूव कर लेंगे और प्रेशर कुकर को ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं इसका हम टमाटर का छिलका पील ऑफ कर लेंगे और इसको साइड पे कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मटन की भुनाई हो चुकी है और
गोश्त भी गल चुका है बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे और जितनी ग्रेवी हमें रिक्वायर्ड है उतनी ग्रेवी पर इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारा मटन बिल्कुल गल चुका है। चेक कर सकते हैं कितना अच्छे से गल गया है हमारा मटन। तो तैयार है गर्मा गर्म नमकीन गोश्त। इसके ऊपर आप ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।